नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो जब से डोजकॉइन थोड़ा रन करना शुरू हुआ है, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरी। सर क्या करूं, डोजकॉइन खरीद लूं, डोजकॉइन का क्या करूं, पुराने जो पड़े हैं बेच दूं, लॉस में हैं बेच दूं, प्रॉफिट आ रहा है बेच दूं, क्या करूं क्या करूं। तो दोस्तों, यहां आपको समझ लेने की जरूरत है कि जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर बाय का न्यूज ब्रेक किया, उसके बाद से डोज कॉइन का रेट जो है वो ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो दोस्तों, अब यहाँ आपको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, और ये मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि इलोन मस्क जो है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। तो ऐसी कोई भी न्यूज के साथ जो कि इलोन मस्क से रिलेटेड होती है, उसमें आपको बहुत ही कॉन्शियस होके, बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ चलना होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसके पास जो इन्वेस्टर की टीम है वो भी बहुत बड़ी और बहुत ही क्वालिफाइड है। और सबसे बड़ी बात, जो उसके पास फंड्स हैं, खरबों रुपए में उसके पास फंड्स हैं, तो वो मार्केट को कहीं भी मैनिपुलेट कर लेता है। तो अब ये सिचुएशन बन रही है कि डोज कॉइन का क्या किया जाए। पिछले 24 घंटे में 30-35% चढ़ चुका है। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है, जो कि कम से कम 2 साल का प्रोजेक्ट है, मन लगा के आपको उसको सीखना पड़ता है, फिर आप उसको समझ पाते हो, वहां से आपको सिचुएशन क्लियर होती है कि एक्चुअल में मार्केट में गेम चल क्या रहा है। तो दोस्तों, डोज कॉइन के बारे में मैं अभी भी आपको, मेरा सजेशन जो है पहले वाला ही रहेगा, अभी बच के रहें, अभी भी ये रेंज में है, रेंज के ये टॉप पे चल रहा है, रेंज को ब्रेक करने दें, रेंज के ऊपर 1-2 दिन रुकने दें, फिर उसके बाद इसमें बाय के बारे में सोचा जाए। और जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर रखा है और लॉस में चल रहा है, आप अभी लॉस में सेल ना करें, इसको होल्ड करके रखें। और जिन्होंने की, जैसे मैंने पहले भी 1-2 बार बताया था कि अगर आप इसको निचली रेंज में आपने बाय किया है और अभी आपको वो कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि उस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए और रेंज ब्रेक करने तक दोबारा एंट्री लेने के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। अगर रेंज ब्रेक करता है, उसके ऊपर 1-2 दिन रुकता है, तो आपको दोबारा बाय करना है, नहीं तो इसको जो रेंज का नीचे वाला पोर्शन है वहां दोबारा जाने दीजिए, फिर अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं या आप इससे अभी दूर भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।